व्हाट इज़ अप एवरीबॉडी। आज तक हमने इस चैनल पे सिर्फ ज्ञान वाली बातें करी हैं, आज हम थोड़ा प्रैक्टिकल करने वाले हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपना कीबोर्ड साफ़ नहीं कर पाते, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो करना नहीं चाहते, आदत होती है ऐसे काम करने की। आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ कैसे आप एक छोटे से प्रॉप का यूज़ करके कीबोर्ड को ईजिली साफ़ कर सकते हैं, और स्पेशली जो बीच वाली लाइन होती है, कीज़ के बीच वाली लाइन, उसको साफ़ करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। इस प्रॉप का यूज़ करके बहुत ईजी होने वाला है। तो मैं एज़ यूजुअल अपना डेली क्लीनिंग वर्क स्टेशन साफ़ करके बैठता हूँ मैं, तो वहाँ पे मैं सफाई कर रहा था, और फिर एकदम से मुझे लगा कि यार ये काम इससे भी तो किया जा सकता है। तो जब वो चीज़ जिस टूल की मैं बात कर रहा हूँ, स्पेशल प्रॉप है जो, जब उसे यूज़ करके मैंने साफ़ किया, तो मुझे लगा यार ये इसी चीज़ के लिए तो नहीं बना। गाइज, ये है मेरा कीबोर्ड जिसे हमें साफ़ करना है। ये साफ़ कीबोर्ड था, इसे गंदा किया गया है साफ़ करने के लिए। एक पुराना हैंकी की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज हैंकी अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेता है चीज़ों को। ये वो स्पेशल टूल है जिसकी हम बात कर रहे थे, ये स्पेशल सॉल्यूशन और एक थोड़ा गंदा कपड़ा या कम गंदा कपड़ा। तो सबसे पहले हम कीबोर्ड से थोड़ी डस्ट रिमूव कर लेंगे। ठीक है, तो कीज़ के बीच में डस्ट देख रहे हैं आप, कीज़ के बीच में डस्ट है काफ़ी। अब कॉलिन के दो स्प्रे मारेंगे इस पे, ज़्यादा स्प्रे नहीं करना है, कीबोर्ड ज़्यादा गीला होगा तो ख़राब हो जाएगा। थोड़ा साफ़ कम गंदा कपड़ा लेना है, कीज़ को ऊपर से साफ़ करना है। अब आ रही आती है इसको यूज़ करने की, कीज़ के बीच में हमें इसको ऐसे घुमाना है, ऐसे साफ़ करता है। खाली टाइम में इसको ऐसे भी घुमा सकते हैं आप, ये देखिए गंदा हो रहा है, ये मतलब ये गंदा हो रहा है, समझ लो कीबोर्ड साफ़ हो रहा है। पूरे कीबोर्ड के कीज़ के बीच में इसको हमें घुमाना है। गाइज, इस छोटी सी चीज़ में बहुत शक्ति है, इसकी शक्तियों का गलत अंदाज़ा मत लगाना। अभी इससे एक चीज़ और भी करेंगे हम, कीबोर्ड अगर आपको लैपटॉप का साफ़ करना है तो वो आप ऑब्वियसली कर ही सकते हैं, आपने देख ही लिया है। लैपटॉप अपना शट डाउन करें, पोर्ट्स हमने इस साइड से साफ़ किया था, कॉलिन ऑलरेडी इसमें थोड़ा सा होगा, तो आपको पोर्ट्स के अंदर ये घुमाना है ऐसे। ये मेरे ऑफिस का लैपटॉप है, ऑफिस के लैपटॉप के साथ इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, अपने पर्सनल के साथ आप कर सकते हैं। हर एक पोर्ट इससे अच्छे से साफ हो सकता है। अब जैसे आपको अपना ईयरबड साफ़ करना है, कहीं बाहर से लेके आए हैं या किसी को यूज़ करने के लिए दिया था, डिसइंफेक्ट करना है, तो इसको भी साफ़ कर सकते हैं। कोई और पोर्ट है आपका, फ़ोन का चार्जिंग पोर्ट है, उसको भी साफ़ कर सकते हैं आप ऐसे करके, बहुत ईजी है। ये मेरा लाइफ हैक है। तो गाइज, इस कॉटन स्वैब का यूज़ करके लैपटॉप का कीबोर्ड, फिज़िकल कीबोर्ड जो अलग से होता है वो, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसके कीज़ के बीच वाला एरिया आपको एक्सेसिबल नहीं है, उसको क्लीन किया जा सकता है बहुत आराम से।